अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? टुडे आवर टॉपिक इज प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम आज बात करेंगे ओवरियन साइकिल। ओवरियन साइकिल, इट्स फंक्शन इज टू मच्योर एंड रिलीज एन ओसाइट। साइक्लिक इवेंट्स इन द ओवरी इंक्लूड मच्योरेशन एंड ओवुलेशन ऑफ ओसाइट। कहते हैं कि ओवरियन साइकिल में क्या होता है कि जो ओसाइट होता है वो मच्योर होता है एंड रिलीज होता है। ओवरियन साइकिल में दो इवेंट्स हैं, एक का नाम मच्योरेशन है और दूसरे का नाम ओवुलेशन है। ओवुलेशन में क्या होता है कि एक ओसाइट जो होता है वो क्या होता है, मच्योर होता है। मच्योरेशन में हम बात कर लेते हैं। मच्योरेशन ऑफ द ममेलियन ओसाइट, मजोरिटी ऑफ ओसाइट इन द अडल्ट ह्यूमन ओवरी आर मेंटेन इन द डिप्लोटिन स्टेज, द फर्स्ट मेयोटिक प्रोफेज इज कॉल्ड डिक्टाइएट स्टेट। कहते हैं कि जो ओवरी के अंदर ओसाइट्स होते हैं वो मेंटेन होते हैं इन द डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में जाके वो क्या हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं, वहां पे जाके वो अरेस्ट हो जाते हैं। द फर्स्ट मेयोटिक प्रोफेज इज कॉल्ड डिक्टाइएट स्टेट। तो जो मियासिस होती है, मियासिस में जो प्रोफेज है, प्रोफेज की जो फर्स्ट जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं डिक्टाइएट स्टेट। ईच ओसाइट इज इनवेलप्ड बाय द प्राइमोर्डियल फोलिकस सेल्स। अब कहते हैं कि जो ओसाइट होता है हमारे पास, उसके इर्द गिर्द प्राइमोर्डियल फोलिकस सेल बनना शुरू हो जाते हैं। दीज फोलिकस, जो ये फोलिकस होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड लेयर ऑफ मेसेनकाइमल थिकर सेल। कहते हैं कि जो फोलिकल्स होते हैं इनमें ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर होती है और दूसरी थीका सेल की लेयर होती है। पीरियडिकली अ ग्रुप ऑफ प्राइमोर्डियल फोलिकल्स एंटर अ स्टेज ऑफ फोलिकुलर ग्रोथ। तो कहते हैं कि अब जो प्राइमोर्डियल फोलिकल्स होते हैं जिसमें ग्रेनुलोसा सेल एंड थीका सेल होते हैं, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम ओसाइट 500 फोल्ड इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो क्या होता है कि इसका जो ओसाइट का जो साइज होता है वो 500 फोल्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एक ओसाइट है जो कि ओवरी में प्रेजेंट है। ओवरी में ओसाइट जो होगा उसके इर्द गिर्द सिंगल लेयर है प्राइमोर्डियल फोलिकल सेल की। अब क्या होएगा कि यहाँ पे क्या होएगा कि यहाँ पे इनकी ग्रोथ होएगी और यहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट में हमें दोनों पैरासोडा के लिए नजर आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप में क्या होएगा कि यहाँ पे सेल की जो होती है माइटोसिस होती है, मल्टीपल लेयर्स तैयार हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। जो अंदर सेल नजर आ रहे हैं इन्हें हम कहेंगे ग्रैनुलोसा सेल और जो बाहर नजर आते हैं उन्हें हम कहते हैं थीकल सेल्स। मतलब कि प्राइमरी ओसाइट में हमें जो ग्रैनुलोसा सेल नजर आ रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट में हमें थीकल सेल भी नजर आ रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल भी नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या होएगा कि ग्रैनुलोसा सेल में कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, खाली स्पेस बनना शुरू हो जाएगी, उसे हम नाम देंगे एंट्रम। इस एंट्रम में प्रोटीन होगी, हार्मोन्स होंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है कि जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं वो एग के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, इन सेल को हम नाम देते हैं क्यूमुलस सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराक्राइन फैक्टर्स। ग्रेनुलोसा सेल इंक्रीज इन नंबर विद ओसाइट ग्रोथ। कहते हैं कि ग्रेनुलोसा सेल जो होते हैं अपने नंबर जो होते हैं इंक्रीज कर लेते हैं विद द ओसाइट ग्रोथ, जब ओसाइट जो होता है ग्रो करता है। जैसे जैसे ओसाइट ग्रो करता है ग्रेनुलोसा सेल भी इंक्रीज होते हैं। दीज सेल्स फॉर्म द कंसेंट्रिक लेयर्स अराउंड द ओसाइट। ये जो सेल्स होते हैं ओसाइट के इर्द गिर्द सर्कल की फॉर्म बना लेते हैं। दी प्रोलीफरेशन ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इंक्रीज बाय द पैराक्राइन फैक्टर GDF9। कहते हैं कि GDF9 जो होता है ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल, सेल की ग्रोथ में। कौन से सेल की ग्रोथ में, ग्रैनुलोसा सेल की ग्रोथ में। थ्रू आउट दिस ग्रोथ पीरियड ओसाइट रिमेन इन द डिक्टाइएट स्टेट। तो हमने ये बात कर ली हुई है कि जब जब ओसाइट ग्रो करेगा वो कौन सी हालत में होएगा, वो कौन सी स्टेज में होएगा, डिक्टाइएट स्टेट में होएगा। द इनर मोस्ट सेल विल स्टे विद द ओवुलेटेड एग कॉल्ड क्यूमुलस सेल। तो हमने बात की थी कि ओसाइट के ऊपर जो होंगे सेल होंगे इकट्ठे हो जाएंगे, जो एक साइड पे हमने उन्हें नाम दिया था क्यूमुलस सेल। क्यूमुलस सेल जो होते हैं सराउंड करते हैं एग इन ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर क्या होता है कि जो एग होता है उसके इर्द गिर्द क्यूमुलस सेल आ जाते हैं। एन एंट्रम फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ फोलिकल। फोलिकल्स की जब ग्रोथ होती है तो अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसका हमने नाम दिया था एंट्रम।
फॉलिकल्स की जब ग्रोथ होती है तो अंदर क्या बन गई थी, एक कैविटी जिसे हमने नाम दिया था एंट्रम। एंट्रम के अंदर क्या होता है, फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर क्या है, प्रोटीन है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज फिल्ड विद प्रोटीन्स हार्मोन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। हम नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी री इनिशिएट मियासिस इन ओसाइट। कहते हैं कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि ओसाइट के अंदर मियासिस को री इनिशिएट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अरेस्ट हो गया हुआ था क्या ओसाइट जो होता है, यहाँ पे एल एच जो आया और क्या कर दिया, मियासिस को रिज्यूम कर दिया। पैराक्राइन और जक्स्ट्राक्राइन सिग्नल। कहते हैं कि जो ओवरी के अंदर ग्रेनुलर सेल होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले पिट्यूटरी हार्मोन को रिसीव करते हैं। जब ग्रेनुलर सेल पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले पिट्यूटरी हार्मोन को रिसीव करते हैं तो वो क्या करते हैं, आगे सिग्नल सेंड कर देते हैं। ग्रेनुलर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल को सेंड करते हैं, जिसकी वजह से माइटोसिस जो होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रैनुलर के सेल के अंदर जो नंबर हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स। फॉलिकल सेल्स सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर्स लाइक TGF, beta-2, VEGF, leptin। दीज फैक्टर्स अलो ग्रोथ टू ओसाइट एंड ब्रिंग ब्लड वेसल्स इन टू द फॉलिकुलर रीजन। कहते हैं कि फॉलिकल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को रिलीज करवाते हैं, जो कि क्या करते हैं कि ओसाइट की ग्रोथ करवाते हैं। और दूसरा काम इनका ये होता है कि फॉलिकल सेल जो होते हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स की एंट्री करवाते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये क्या है, यूट्रस है, ये ओविडक्ट है, और यहाँ पे क्या है, ओवरी नजर आ रही है। यहाँ पे ब्लड वेसल जो हो रही है वो एंटर हो रही है। कौन करवा रहा है, ये ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं ये वाले तीन। अब हम इसको ओवरी के अंदर देखें तो ये एक ओवरी है कंप्लीट। इसके अंदर क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट है, ये ग्रो कर रहा है, हमने पढ़ा था। अब ये जो ब्लड वेसल हो रही है ये अंदर एंटर हो रही है, जिसकी वजह से इसे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, और क्या होगा कि रिस्पायरेशन होगी, फॉलिकल सेल होगा इजीली ग्रो कर सकेगा। हाउ जोना पेलोसिडा ZP1, ZP2, ZP3 प्रोटीन आर फॉर्म। ये जो ZP1, ZP2, ZP3 जो प्रोटीन थी ये किस तरह बनती हैं। ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, इस आरएनए को हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स की मदद के साथ साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि इस आरएनए को इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो आरएनए होगा कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम में। राइबोसोम में जब जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन बनेगी, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है ट्रांसलेशन। ओवुलेशन ऑफ ममेलियन ओसाइट। ओवुलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये सीखें। ओवुलेशन में क्या होता है कि द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के अंदर से जब ओवम जो होता है रिलीज हो जाता है उसे हम कहते हैं ओवुलेशन। अब हम बात करते हैं किस तरह ये मैकेनिज्म होता है। फिजिकल स्टिमुलेशन। दिस ओवुलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ कोपुलेशन। ओवुलेशन जो होती है किस तरह स्टार्ट होती है, बाय द एक्ट ऑफ द कोपुलेशन, जब क्या होती है, मेटिंग होती है। फिजिकल स्टिमुलेशन ऑफ सर्विक्स रिलीज गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम द पिट्यूटरी। जब सर्विक्स को फिजिकल स्टिमुलेशन मिलता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करता है। गोनेडोट्रोपिन जो होता है एग को सिग्नल भेजता है और मियासिस को रिज्यूम कर दिया जाता है। इट इनिशिएट द इवेंट्स डैट विल एक्सपेल इट फ्रॉम द ओवरी। ये वो इवेंट होता है जिसकी वजह से ओवरी से ये बाहर आ जाता है। दिस मैकेनिज्म इंश्योर दैट कोपुलेशन रिजल्ट इन द फर्टिलाइज ओवा। कहते हैं कि इस मैकेनिज्म के जरिए हमें पता लग जाता है कि जो ओवा होता है, ओवम होता है, वो फर्टिलाइज हो गया है। दिस मेथड ऑफ ओवुलेशन अकर इन द रैबिट एंड मिंक। तो ये मैकेनिज्म किस में नजर आता है हमें, रैबिट्स में एंड मिंक में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, फॉलिकल, एक फॉलिकल है, ये भी क्या है, फॉलिकल है, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट था। तो क्या हुआ कि जब कोपुलेशन मतलब मेटिंग हुई तो क्या होगा कि ये बाहर आ जाएगा, ओवम, ओवम के साथ ये स्पर्म क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इन्वायरमेंटल क्यूज। मोस्ट मैमल्स हैव दी स्पेसिफिक ओवुलेशन पैटर्न। कहते हैं कुछ मैमल्स के अंदर क्या होता है कि जो ओवुलेशन का जो पैटर्न है वो क्या होता है, पीरियडिकली होता है।
इन दीज एनिमल्स फीमेल ओवुलेट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर, साल में एक खास वक्त में क्या होती है, ओवुलेशन होती है। दिस ओवुलेटरी पीरियड इज कॉल्ड एस्ट्रस और हीट, इसे हम एस्ट्रस का नाम देते हैं और हीट का नाम देते हैं। इन दीज एनिमल्स इन्वायरमेंटल क्यूज लाइक लाइट भी हो सकती है ड्यूरिंग द डे, कहते हैं कि इन्वायरमेंटल क्यूज में जो लाइट होती है वो ये क्या होती है, इन्वायरमेंटल क्यूज है जो कि क्या करती है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है टू रिलीज गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। और क्या रिलीज करे, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। जब गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो जाता है फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH को रिलीज करवाता है। ये FSH और जो LH होता है ये ओवरियन फोलिकल्स के अंदर से एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। ये जो एस्ट्रोजन होता है मेटिंग के बिहेवियर को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। द गोनाडोट्रॉफिन आल्सो स्टिमुलेट फोलिकुलर ग्रोथ एंड ओवुलेशन, कहते हैं कि द गोनाडोट्रॉफिन जो होता है ये फोलिकल्स की ग्रोथ भी करवाता है एंड ओवुलेशन भी करवाता है।